डील की बातें हो रही हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। 5 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे, लाहौर को अपना बेस कैंप बनाएंगे। कठपुतली पर वार करने का वक्त आ चुका है, अगला वजीर आजम और वजीर आला भी जियाले होंगे। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, आसिफ जरदारी बोले जल्द आवाम की हुकूमत आने वाली है, गरीबों की तकदीर सिर्फ बिलावल बदलेगा। कौमी सलामती कमेटी ने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी, वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से नंबर आसमा होने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बचाव के लिए दुनिया किरदार अदा कर रही है, करे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात में मुतालबा, कहा कि इंसानी बहरान टालने के लिए पुरखलूस आलमी कोशिशें ज़रूरी हैं। इंसादे दहशतगर्दी और तरबियत के शोबों समेत फौजी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क केएमसी को देने और पार्क बहाल करने का हुक्म, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को तनाजियात से दूर रखें। अदालत का नस्ला टावर की जमीन जब्त करने का हुक्म, प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, 400 लोगों से एक बिल्डिंग नहीं खत्म हो रही। अदालत में गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब की माफी कबूल कर ली, ओहदे से हटाने का फैसला वापस ले लिया, रिमार्क्स दिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा, आपका रवैया सियासी रहनुमाओं का है, शहरियों की सर्विस का नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी दबाव से हटकर फराइज अंजाम दें, एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखें। अदालत का गटर बागीचे तमाम कब्जा खत्म करके पार्क बहाल करने का हुक्म। सानह सियालकोट, श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तमगा शुजात देने की मंजूरी, सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दी, सिविल अवार्ड 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया स्वाति कत्ल केस, अमरीकी सफारतखाने की टीम और माहिर अमरीकी तफ्तीशी अहलकार की CPO ऑफिस आमद, DPO रावलपिंडी ने कत्ल पर ब्रीफिंग दी, अमरीकी टीम का केस की तफ्तीश को मजीद तेज करने पर जोर, कहा तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके मुलजिम को सजा दिलवाई जाए। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने कराची को निरगे में ले लिया, मौसम सरमा की पहली बारिश से ठंड बढ़ गई, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बरसात 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई, सदर में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक, मलका कोहसार आज़ाद कश्मीर, मालम जब्बार कोयटा में बर्फबारी, अवारान लसबेला के पंजगोर और फजदार में बादल बरसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।